शनिवार को इंडिया गठबंधन ने पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकाला और सरकार की विफलताओं को उजागर किया। शनिवार को मुजफ्फरपुर में इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार में आए दिन बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, गिरती कानून व्यवस्था, हत्या के खिलाफ प्रतिरोध मार्च मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया। इस प्रतिरोध मार्च में मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, बोचहा विधायक अमर पासवान, राजद जिलाध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के साथ माले, सीपीआई, वीआईपी, आप के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का। देखिए, सरकार बोलती है ना 2005 से क्राइम, ठीक है, क्रिमिनल और कॉर्निज्म, मतलब करप्शन और कॉर्निज्म, इससे हम समझौता नहीं करते। आप देख लो कि कोई ऐसा दिन है जिस दिन किसी भी जिला में 5-7 जो है हत्याएं नहीं होती हो, डकैती नहीं होता हो, बलात्कार नहीं होता हो, भ्रष्टाचार का बात करता है लोग, दर्जनों पुल जो 300 करोड़ 400 करोड़ के लागत से पुल जो बना, वो पुल जो है या तो उद्घाटन के पहले गिर गया, नहीं तो उद्घाटन के बाद गिर गया। भ्रष्टाचार नहीं है, नीतीश कुमार जी के नज़र में भ्रष्टाचार नहीं है, बलात्कार हो रहा है, हर जिला में हो रहा है, क्राइम नहीं है। और उसके बाद घुसखोरी, एक चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घुसखोरी में लिप्त है, उसके बाद भी कहता है सुशासन है। और जो जनता का राज था 1990 से लेकर 2005 तक, उसको क्या कहता है, जंगल राज। मैं कहता हूं कि अभी ये कठपुतली की जो सरकार है, और इस कठपुतली की सरकार में माफियाओं के द्वारा इस सरकार चल रही है, और भारी माफिया राज अभी बिहार में चल रहा है, जिसे बिहार की जनता त्रस्त हो रही है, और आने वाला समय में नीतीश कुमार जी को जवाब देगा बिहार की जनता। जी बिल्कुल, आज प्रतिरोध और विरोध मार्च जो हम लोग निकाल रहे हैं सरकार के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति, जो विगत 19 वर्षों से यहाँ पे काबिज है बिहार प्रदेश में, और कोई भी कार्य करने में अपना जो है मन व्यवहार नहीं लगा के कर रही, जिसके कारण आज जो है आपराधिक घटनाएं प्रदेश में इतनी बढ़ गई है, लूट, चोरी, डकैती की घटनाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इससे उनको निजात नहीं मिलने जा रहा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे हुए हैं, इसीलिए आज हमारी जो महागठबंधन की यहाँ पे रैली हुई, आक्रोश रैली हुई, तो इसमें हम लोगों ने पूर्ण रूप से जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के मुद्दों के लिए हमने आज ये रैली निकालने का काम किया है, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है अपराध नियंत्रण का काम कर सके। लूटपाट घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाओं के ऊपर जमीनी विवाद के कारण घटनाएं हो रही हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर रोकथाम कर सके, ऐसी कोई ना नीति लाते हैं ना सुझाव देते हैं, बिहार की प्रदेश को ऐसी आग के झकोरे में धकेल रखा है। हत्या की घटना, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, बैंक में लूट हो रहा है, तमाम बिहार में गुंडा राज कायम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहाँ बिना रिश्वत का कोई काम होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने फैसला लिया है कि बिहार वासियों के लिए इंडिया गठबंधन आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च करके यह निरंकुश शासन को कैसे समाप्त हो, और राष्ट्रपति यहाँ शासन लागू होना चाहिए, जिस तरीके से गुंडा राज और भ्रष्टाचार कायम है, सारा पूरा बिहारवासी त्रस्त है, शासन नाम का कोई चीज नहीं है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, जनप्रतिनिधियों का कोई कदर नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि जो जंगल राज वाले हैं वो केवल हल्ला करते हैं, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने का। मंगल राज वाले को बिहार की जनता अमूमन 2 दशक मौका दिया है, तो ये क्यों नहीं मंगल राज रह रहे हैं, तो गुंडा राज कायम कर दिए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सुबह उठिए, अखबार पढ़िए, हर जिले में कहीं ना कहीं एक पुल गिरा हुआ मिलेगा, हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम उनसे जानना चाहते हैं, वो इसको कौन राज, महाजंगल राज की गुंडा राज कहेंगे, वो बतावे, जनता उनको अधिकार दिया है, जनता उनको सत्ता दिया है, 20 वर्ष में उन्होंने क्या किया है, उनको अपनी बात बोलना चाहिए, और नहीं तो यह बात कौन हो गया कि सो जा बेटा, न तो गब्बर आ जाएगा।
आप क्या कर रहे हैं, आप शासन प्रशासन में हैं, आप काहे नहीं रोज हत्या बलात्कार और भ्रष्टाचार हो रहा है, आप निरंकुश है, आपको लगाम लगाना चाहिए। एकदम निकलेगा, आप देखें कि जब अल्टीमेटम दे दिया गया सारे परसों, हम लोग सभी बिहार में सभी महागठबंधन के जिलाध्यक्ष बैठक करके आह्वान किया गया, और बिहार में भी राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी सारे पार्टी के प्रमुख नेता होकर ऐलान किए। कल नीतीश जी इसी के डरे हुए कल जो है कि हाई वोल्टेज जो है मीटिंग किए पूरा लाइन ऑर्डर पर। अगर यह सरकार जो है कि हत्यारी सरकार है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिहार में, खासकर हम मुजफ्फरपुर में पत्रकार की हत्या हो जाती है, 26 वर्ष के संस्कृति वर्मा पर गोलीबारी होती है, और कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई प्रखंड में 3-4 हत्या नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहा है, लूट और डकैती नहीं हो रहा है। आप देखें कटरा में जो है कि शर्मा बरही परिवार को जो है कि एक महिला को मार दिया गया, तो जो है कि यह अफसरशाही है, अपराधी बेलगाम है, डर भय खत्म हो गया है, और यह और यहाँ बिहार का जो है लैंड ऑर्डर खत्म है, इसलिए यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार बदलनी है, अगली सरकार महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनना। देखिए आज हम इंडिया महागठबंधन के सभी पार्टी सारे आज आक्रोश मार्च निकाला गया है, और ये जिस तरह से हमें पता चल रहा है आप ही के माध्यम से, चाहे वो डिजिटल हो, न्यूज़ हो, या फिर मैगजीन्स हो, या फिर न्यूज़पेपर्स हो, सोशल मीडिया हो, कि जिस तरह से बीते टाइम पे बिहार के बिहार राज्य में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, या फिर लूट डकैत हो, वो अपने शर्म सीमा पे हैं, और ये जो है इसे पता लगता है कि पूरी सरकार जो है विफल हो चुकी है और मौन एकदम बैठ के देख रही है, तमाशा देख रही है। इतने ज़्यादा मतलब अपराधियों को उन्होंने शरण दे रखी है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पिस रहा है कोई तो वो है आम जनता। पहले ही आम जनता है बेरोजगार से, बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है, और ऊपर से आज अब ये जनता अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की आपराधिक घटनाएं पिछले दिनों हमने देखने का मौका मिला है कि लोग अपराधी जो है घर में घुस के मार रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी जी के आदरणीय पिताजी हों, उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिलाएं हों, छोटी बच्ची हों, या फिर युवा हो, या कोई नौजवान हो, छोटी छोटी बात में गोलियां चल रही हैं। तो मैं ये विपक्ष को कहना चाहूँगी, सरकार को कहना चाहूँगी कि आपने बहुत नारे लगाए कि जंगल राज, जंगल राज, पर 19 साल से नीतीश जी आपकी सरकार है, तो जहाँ आप शासन कर रहे हैं उनकी गतिविधि अगर आप विफल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। पास्ट में कब तक हम बात करेंगे, हमें आज प्रेजेंट और फ्यूचर का हमने देखना है। आप ये पास्ट याद करवा करवा के आप अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने नहीं भाग सकते हैं। देखिए आज हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हमारा पूरा राजद परिवार और पूरा महागठबंधन परिवार बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में, और जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, उसके खिलाफ में तमाम महागठबंधन परिवार के लोग आज हम लोग प्रतिरोध मार्च के माध्यम से अपना विरोध जता रहे हैं, और जनता के समस्याओं के लिए, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए सरकार चलाने में असमर्थ है या पूरी तरह से थके हुए मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग का ये मांग रहेगा कि जिस तरह से बिहार में जो महाजंगल राज चल रहा है उसको देखते हुए हमारे बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो थक चुके हुए हैं, उनसे अब बिहार नहीं चलने वाला है। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।